अनियंत्रित रोडवेज बस पलटी। रोडवेज बस पलटने से कई लोग हुए घायल। आधा दर्जन से अधिक घायलों को नजदीकी अस्पताल में भिजवाया। सीओ सिटी राजकुमार सिंह की मदद से रोडवेज सवार यात्रियों को सकुशल निकालकर गंतव्य स्थान पर किया रवाना। रोडवेज के पलटने से साइकिल सवार के दबे होने की आशंका। साइड से गुजर रहे साइकिल सवार व्यक्ति के रोडवेज के नीचे दबे होने की जताई जा रही आशंका। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीएम सदर व सीओ सिटी राजकुमार सिंह ने तत्काल क्रेन मशीन को बुलाने के लिए फोर्स को किया रवाना। कोतवाली देहात के आगरा रोड के गांव हरिसिंहपुर की घटना। बस पलट गई है हरिसिंहपुर गांव में। सर क्या मामला था? एक बताया जा रहा है एक साइकिल सवार भी दबा हुआ था उसमें। ये रोडवेज बस बदायूं डिपो की रोडवेज बस है, आगरा से बरेली जा रही थी। कोई साइकिल सवार आगे आ गया, उसके कारण ये बस अंधी में पलट गई। पानी काफ़ी भरा हुआ था। हम लोगों ने एक डेढ़ घंटे रेस्क्यू करके इसको निकाला है और इसमें जो दबा हुआ है अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, गोताखोर बुला कर उसको निकलवाया गया है। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि कौन व्यक्ति है। सर बस में सवार कितने लोग घायल हुए थे? तो अभी घायल 15-20 घायल हुए थे, सामान्य चोटें थी, वो अपने गंतव्य को पहुँचा दिए।